अभी मैं बिहार के जमुई में हूँ और एक नदी और या तालाब कह लीजिए, तालाब नुमा कुछ जगह है यहाँ पर, और यहाँ पर बालू निकालने का प्रक्रिया चल रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ कि तालाब से इतना बालू आखिर कैसे निकल सकता है, लेकिन अंदर घुसने पर पता चला कि ये पूरा नदी टाइप का है और इसी में से जो है बालू निकाला जा रहा है। ये वही बालू है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने में कार्य में उपयोग किया जाता है। ये तालाब है और इसी तालाब से जो है बालू निकाला जा रहा है और लाखों लाखों का माल निकाला जाता है इसी तालाब से। एक प्रकार से कहें तो ये जादुई तालाब है, यानी बालू का तालाब है और इसी में से निकाला जा रहा है। आइए इनसे मैं बात करता हूँ कि ये कौन सी नदी है और इसमें क्या होता है। जरा बंद कीजिए, ये क्या कौन सी नदी है सर? हमको भी नहीं पता है कौन सी नदी। कहाँ से आए हैं ये सब करने? बेगूसराय से। थोड़ा और पास आइए, कौन सी नदी है? नदी नहीं पता? नहीं पता। अच्छा तो ये किसी को पता है कौन सी नदी है? लाई नदी है। क्या नदी है? उलाई नदी। तो इसमें सिर्फ यही बालू ही निकलता है? हाँ, अच्छा तो निकल रहा है। बड़ी दूर तक ये बालू ही बालू है, हाँ, तो ये ठेका पास होता है, हाँ, हर साल ऐसे निकलता है। हाँ, अभी 3 जेसीबी मशीनें जो हैं वो कार्य कर रही हैं। और फिर से बताइए नदी का नाम? उलाई नदी में जो है सिर्फ और सिर्फ पैसे के रूप में मोरंग और बालू निकल रहा है। अब देखिए कितना गहरा खोदे हैं आप लोग अभी तक? कितना गहरा खोदे हैं? 2 फीट। अच्छा ठीक है, चलिए चलिए देखिए यहाँ पर और लोग कार्य कर रहे हैं। तो ये कितने दिन में पूरा निकाल देंगे? कितना दिन निकलेगा सर? अभी 2-3 महीना निकलेगा। अच्छा, जितना दिन से जितना खोदोगे उतना ही निकलता है? जितना खोदो उतना ही निकलता है? मिट्टी भी निकलता है। अच्छा, किसको फोन कर रहे थे? फोन किसी ठेकेदार को फोन कर रहे थे, मतलब बताने के लिए मीडिया वाले आए हैं। हाँ तो ठीक है, तो डर गए हो क्या हमसे? हम तो हमारी जानने की इच्छा हुई कि आखिर मोरंग कहाँ से। हाँ, आपका जानना जरूरी है, जानिए। हाँ सही कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए इसे कितना गहरा खोद डाले हो अभी तक? 2 फीट है। 2 फीट है तो काम जो है ऐसे ही चलता रहेगा? हाँ चलता रहेगा, जब तक टेंडर रहेगा हम लोग का तब तक। क्या रेट चल रहा है बालू का? हमको ये सब नहीं पता है। अच्छा, तीनों मशीन जो है जैसी भी रोज निकालता है या पहली बार यहाँ आए हो? आज अभी शुरुआत किए हो तो निकाल के इधर डालते हो? पानी जो रहता है वो गिर गया फिर से उसी में चला जाता है। ये नदी है या तालाब, क्या लग रहा है आपको? नदी लग रहा है। नदी है। चलिए यहाँ पर दिखाने का मैं प्रयास कर रहा था। यही सब मोरंग है जो घर पे यूज में आती है, सरकार की तरफ से ये टेंडर पास होता है और टेंडर जो है पास होने के बाद जो है जो ठेकेदार होते हैं वो खुदाई का काम करवाते हैं। इसके बाद ट्रक से लोड होकर, इसके बाद ट्रेनों से लोड होकर दूर दूर शहरों में जाता है, अलग अलग राज्यों में जाता है, और यही मोरंग बालू से बड़ी बड़ी ऊँची ऊँची इमारतें और जो है वो तैयार होती हैं। अधिकतर जो है बालू और ये मोरंग ये सब जो है ना ये बिहार में ही पाया जाता है, बिहार के ही नदियों में निकलता है। कुछ पता है कि ये कहां से आता है? ये जमीन ही ऐसी है या कहीं से बह के आता है? बह के आता है उधर पहाड़ तरफ से, पहाड़ की तरफ से बह के आता है। मतलब जमीन अगर ज्यादा खोदोगे तो मिट्टी निकलेगा? हाँ सर। क्यों भैया? ज्यादा खोदोगे तो मिट्टी निकलेगा? मिट्टी निकलेगा। तो पहाड़ से बह के आके यहाँ इकट्ठा हो जाता है, और जब इकट्ठा होता है तो लोग खुदवा के जो है ये ले जाते हैं अपने घर पे। यहाँ से कहाँ जाता है कुछ पता है? यहाँ से मतलब जैसे माल गोदाम में रुकती है, माल गोदाम से फिर वहाँ लोड होता है, ट्रेन पर जाती है। अच्छा, ट्रेन से लोड होकर दूसरे राज्यों में जाता है, दूसरे शहरों में? चलिए, ये मोटा वाला बालू है या पतला वाला है? ज्यादा मोटा लग रहा है। मोटा वाला भी है, पतला वाला, दोनों साइड इसमें मिला हुआ है। अच्छा, दोनों साइड। तो पतला, ये पतला बनाया जाता है चाल वाल के या ऐसे ही पतला निकलता है? चाल के बनाया जाता है। देखिए वहां तक सब रैक लगा हुआ है और ये खनन का कार्य चल रहा है, ये जो है खनन का कार्य है। और मैं कहता हूँ कि बिहार में जो है बालू और इसके बाद मोरंग का एक भंडार है, संग्रह है, और ये भंडार इतना है फिर भी जो है मोरंग का रेट, जो है बालू का रेट आसमान छू रहा है। यूपी की भाषा में इसे मोरंग कहते हैं। अब यहाँ खुदाई का कार्य चल रहा है और जहां तक देखिएगा वहां तक नजर जा रही है और इधर तक नजर जा रही है तो सिर्फ और सिर्फ मिट्टी की जगह बालू ही नजर आ रहा है। फिर भी सोचने का विषय है कि इतना मोरंग जो है बिहार से निकलता है, बिहार की नदियों से निकलता है, जमुई हो या सोन नदी हो या आर्रा हो या बक्सर हो, तमाम जगह से इतना बालू निकलता है, फिर भी आग लगी रहती है मोरंग बालू की कीमतों में बिहार में। यही सब सोचने का विषय है, क्या आयात निर्यात करने के चक्कर में जो है
महंगाई बढ़ जाती है बालू के रेट की, ये भी सोचने का विषय है। क्यों इतना महंगा मिलता है, ये भी सोचने का विषय है। क्या जो है यहाँ से खोदने के बाद जो है तमाम तरीके का क्रय विक्रय होता है, इसके बाद तमाम प्रकार का टैक्स लगता है, सरकारों को जाता है, माफियाओं को जाता है, ट्रक चालकों को जाता है, इसकी वजह से जो है रेट में बढ़ोतरी हो जाती है, तमाम प्रकार की बातें हैं। लेकिन मैं ये बात डंके की चोट पर और सच में कह सकता हूँ कि हमारा बिहार जो है ना, ये बालू का भंडारण है, बालू का भंडार यहाँ पर अच्छे मात्रा में होता है। और यही कारण है कि यहाँ पर देखिए खुदाई का कार्य पूर्णता चल रहा है, 3 JCB मशीनें लगी हैं और खोद रही हैं। तो कुछ लोग कहेंगे बालू कैसे निकलता है लाल वाला, तो लाल वाला बालू ऐसे ही निकलता है, यानी जैसे JCB निकाल रही है। आप लोग निकालिए भाई, हमको अच्छा लग रहा था देखने में। चलिए बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।